साइज देखिए दोस्तों, आप जब भी कपड़ा धोने जाइए तो ये जैसे मेरा वाशिंग मशीन जो है 6.5 किलोग्राम की कैपेसिटी वाला है, तो इसका मतलब पानी और कपड़े सारी सभी चीजों का वेट मिला के लगभग 6.5 किलोग्राम तक ये स्पिनर मोटर जो है वो लोड बियर कर सकता है। तो आप इसमें हाफ बकेट पानी रखिएगा, हाफ बकेट पानी रखिएगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग बकेट पूरा भर चुका है, हाफ बकेट भर चुका है मेरा। अब इसका जो अगला स्टेप होगा वो है इसमें वॉशिंग पाउडर डालना। अब जैसे कि आपको जितना कपड़ा डालना होगा उसके हिसाब से आप वॉशिंग पाउडर इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं जो बताता हूँ कि वॉशिंग मशीन में वैसे वॉशिंग पाउडर आप थोड़ा सा अदर यूज़ जैसे आप घर में कपड़े हाथ से धोते हो तो उसकी अपेक्षा थोड़ा कम वॉशिंग पाउडर लगता है। पानी थोड़ा ज्यादा खर्च होता है लेकिन वॉशिंग पाउडर उसकी अपेक्षा थोड़ा कम लगता है। तो अब हम इसमें वॉशिंग पाउडर डालेंगे। तो अगर वॉशिंग पाउडर की क्वांटिटी बात करें तो मैं यहाँ पे 3 कंबल जो है 3 ब्लैंकेट्स एक साथ धुल रहा हूँ, इसलिए वॉशिंग पाउडर की क्वांटिटी बात करें तो मैं लगभग 50 ग्राम यानी 50 ग्राम वॉशिंग पाउडर तक इसमें डालूंगा। ये हो गया करीब 25 ग्राम का और 25 ग्राम और मतलब मैं हाँ ठीक है। अब दोस्तों अब जब आप इसमें वॉशिंग पाउडर डाल दीजिए तो तुरंत आप इसमें कपड़े ना डालिए, बल्कि वॉशिंग मशीन को अपने ऑन करके और इसका जो अपने वॉशिंग मशीन को अपने ऑन कर दिए, अब इसका जो ये स्पिनर वाला बटन है ना वॉश टाइमर वाला उसको आप चालू कर दीजिए। जब बुला लेगा तो ये देखिए कि वॉशिंग मशीन जो है पूरी तरह से कपड़ों को सॉरी पानी को घोलने लगा और सर्फ को उसमें अच्छे तरीके से मिक्स करने लगा। यहाँ पे आपको देखने को मिला है इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब आप करके अब जब एक दो बार ये घूम जाए तो आप एक एक कपड़े को प्रॉपरली खोलते हुए कपड़े को ठीक है खोल के डालिएगा कपड़े को और एक एक कपड़े को हटाते जाइए। जैसे मैं यहाँ पे देखिए मैं कपड़े यहाँ डाल रहा हूँ और इस तरह से आप इसको छोड़ दीजिएगा ठीक है। ये अपने आप ही अंदर ले लेगा। इसी तरह से मैं फिर यहाँ पे दूसरे कपड़े को डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है। मैं दूसरे कपड़े को डाल चुका हूँ और अब मैं यहाँ पर तीसरे कंबल को भी डाल देता हूँ। ये तीनों कंबल का वेट मिला के लगभग 6.5 किलो हो जाएगा पानी के साथ और ये मेरे जो स्प्रे मोटर है वो बहुत ही ईजिली से आराम से साफ कर देगा। अब दोस्तों आपको एक सिलेक्शन और करना होगा, जो यहाँ पे आपका प्रोग्राम सेलेक्ट करा है इसमें जाके आपका अगर कंबल जाके नया कपड़ा जाके करना है तो आप इसको स्ट्रॉन्ग मोड पर सेलेक्ट कर सकते हो, इससे आपकी स्पीड की टाइमिंग होती है वो बढ़ जाती है, रोटेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। अभी देखिएगा मैं ये नॉर्मल था, अभी देखिए हाई रोटेशन पर जाएगा। ये देखिए 1, 2, 3 लगभग 3 से 4 बार रोटेट करता है एक साइड चलते हुए। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे कपड़े को जो है काफ़ी इजी जो है ये लेने लगा है ठीक है। तो चलिए जब ये कपड़ा धोया जा रहा है तो फिर मैं आपको अगले प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों अब देखते हैं ये मेरा जो 15 मिनट का टाइम सेशन था वो पूरा हो चुका है। तो आप ओपन करके देखेंगे इसके लिड को। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये अभी थोड़ा सा बचा हुआ है करीब 1 मिनट से भी कम टाइम और ये कपड़े पूरी तरह से वॉश हो चुके हैं और आप पानी की क्वालिटी को देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही गंदा हो चुका है। ये मैंने कैमरा लिया वरना हाथ में लेकर आपको दिखाता कि कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, रुकिए दिखाता हूँ। ये देखिए ये देख रहे हैं दोस्तों कितनी गंदगी निकली है। वैसे ये कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं क्योंकि इतने से काफ़ी अच्छे से क्लीन कर चुका है ये वॉशिंग मशीन मेरा। और अब हम इस रोटेशन को बंद करेंगे, रोटेशन को बंद कर देंगे पूरी तरह से और उसके बाद से अब मैं आपको बताता हूँ कि अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा ये जो ड्रेन ड्रम है इसे ओपन करते हैं और ड्रेन ड्रम में हम अपने इस वाले जो ये वाला जो जुड़ा हुआ हमारा कपड़ा है इस कपड़े को एक एक करके इसमें डालेंगे, एक एक पीस डालेंगे क्योंकि ये कपड़ा है काफी बड़ा होता है तो हम एक एक पीस डालेंगे। अगर आपने शर्ट पैंट या फिर कुछ और चीज़ें धुल रहा है अपने घर का तो उसमें आप 2, 3, 4 आइटम भी इसमें डाल सकते हैं, मतलब ये ड्रेन ड्रम थोड़ा भरे रहते थोड़ा सा कम होना चाहिए उतना आप कपड़ा इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए एक कोई कंबल हम डालते हैं इसमें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कपड़ा जो है पूरी तरह से धुल चुका है और ये फंक्शन जो है बंद हो चुका है। हमारा स्पिन टाइमर 15 मिनट का टाइमर था ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कपड़े में थोड़ी लगती है कि कम सफाई हुई है तो आप इसको एक बार और चला सकते हैं 4, 5 या 10 मिनट के लिए या फिर पूरे 15 मिनट के लिए एक रोटेशन और दे सकते हो। तो अब चलते हैं हम इसको, अब अगला स्टेप हमारा होगा इस पानी को ड्रेन करेंगे हम यहाँ से। तो ये और प्रोग्राम का सेलेक्टर पे आते हैं हम ड्रेन की तरफ जाएंगे, ड्रेन की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है पानी ड्रेन हो रहा है मेरा। यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए पूरी तरह से पानी जो है ड्रेन होना शुरू हो चुका है। बहुत ही कम टाइम में पानी ड्रेन हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 सेकंड लगेगा और आपका पूरा जो बकेट है वो खाली हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं, इधर ड्रेन हो चुका है। अब हम अपना जो ड्रेन ड्रम है इसे ओपन करते हैं और इसमें हम एक कंबल जो है वो इसमें हम डालेंगे। तो हम ये ब्राउन वाला कंबल पहले डालते हैं, वो थोड़ा भारी है एक्चुअली, वो डबल बेड का कंबल है इसे हम डालते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप खोलते हुए इसे डालिएगा फैलाते हुए, और क्योंकि अगर फैलाते हुए नहीं डालेंगे तो ये अच्छे से जो है कि ये कपड़ा जो है धुलेगा नहीं, जो इसके सर्फ है वो इसमें लगे रह जाएंगे। तो इस तरह से हाँ ये देखिए और लगभग हमारा ड्रेन बकेट जो है कि भर चुका है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अपना ये वाला जो इसका अलग से दिया हुआ अटैचमेंट इसको लगाएंगे और अंदर की तरफ दबा देंगे। जी हाँ दोस्तों, दबाने के बाद हम इसे बंद कर देंगे ठीक है, दबा देंगे और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे और फिर जो हम अपने वाटर इनलेट है ना यहाँ से हम वाटर की सप्लाई इसमें देंगे, वाटर की सप्लाई हम इसमें देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें लगा दिया और हम वाटर सप्लाई चालू करते हैं और उसके बाद से फिर आपको दिखाते हैं कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा वाटर सप्लाई आना शुरू हो चुका है, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ।
ये देखिए हमारा वाटर सप्लाई आना शुरू हो चुका है और ये मेरे कपड़े को खंगालना शुरू कर देगा। तो इसे बंद करते हैं, इसे बंद कर देंगे और ये जो हमारा ड्रेन वाला नॉब है, स्पिन टाइमर वाला, इसे आप चालू कर देते हैं। ये करीब 5 मिनट के लिए हाईली मतलब फुल फंक्शन के लिए 5 मिनट के लिए काम करता है। करीब आपको 2 मिनट तक आपको पानी के साथ इसे खंगालना है और 2 मिनट के बाद जो है आपका वाटर सप्लाई जो है बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद फिर इसे स्पिन कर दीजिएगा जिससे इसका पूरा पानी जो है ड्रेन आउट हो जाएगा। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था करीब 2 मिनट तक आप इसे जो है कि खंगाल लेंगे कपड़े को। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई मैंने अब बंद कर दिया है और अब हमारा देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है आपको पता है कि जब आप इसका लिड को ओपन करेंगे, क्रैकर को खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यहाँ पे देखिए वाटर सप्लाई यहाँ पे आ रहा था, वो बंद हो चुका है। तो हम केवल क्या करेंगे, इसे स्पिन करेंगे। स्पिन करने से क्या होगा कि इसमें जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाएगा और ड्रेन आउट होकर नाली में चला जाएगा और हमारा कपड़ा जो है वो परफेक्टली सोख के निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम बाकी सारे प्रोसीजर को भी एक के बाद एक के बाद करते रहेंगे और इस तरह से हम अपने सारे कपड़े खोल लेंगे।